हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम, वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो भी आपके संग्रहालय हैं, इन सभी को मैं एक आपको एक छोटी सी स्टोरी से याद करवाने वाला हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक क्लास है, किसकी, पेंटिंग की क्लास है, और बच्चे बैठे हुए हैं और पेंटिंग बना रहे हैं, और सामने क्या खड़े हुए हैं, सर खड़े हुए हैं। तो एक बच्चा था, उसको पेंटिंग नहीं आती थी, लेकिन वो सर से बहुत डरता था। तो वो उठा और सर के पास जाके बोला, सर मुझके ऊपर थोड़ी दया करें, मुझे पेंटिंग का कुछ भी नहीं पता, क्या करूं मैं। तो सर ने क्या किया, सर ने उसको जहां पे पेंटिंग सिखाई जाती है अलग से इंस्टीट्यूट में, जिसको क्या बोलेंगे हम, जैसे पाठ सिखाया जाता है तो पाठशाला बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वो चित्रशाला बोलेंगे। तो वहां पे उसका एडमिशन करवाया और उनको बोला कि इसको चित्र की एक बूंद भी बनानी नहीं आती। तो वो कहते ठीक है, हम सिखा देंगे। तो सर तो वहां से चले गए, और जब इंस्टीट्यूट वालों ने बोला कि आप पोथी निकालो अपनी, जहां पे ये सारे साइन दिए होंगे पेंटिंग सीखने के, तो बच्चे ने बोला कि मेरे पास तो पोथी है ही नहीं। तो जो इंस्टीट्यूट वाले थे वो बोले, आपकी तो जय है, एक तो आपको पेंटिंग नहीं आती, दूसरी आपके पास तो कोई पोथी भी नहीं है सीखने के लिए। लेकिन बच्चा क्या था, बच्चा चालाक था, और बच्चे ने क्या बोला कि मैंने सुना है आप लोगों के हाथ में बड़ा जस है, आप बिना पोथी के, बिना पुस्तक के भी अच्छी से अच्छी पेंटिंग सिखा देते हैं। इतना सुनने की देर थी, क्योंकि हमें पता है कि इंसान जो है प्रशंसा का भूखा होता है। इतना सुना और हाँ कहते, हमें तो सब कुछ आता है, चलो आ जाओ। तो उनको इतना अच्छा पेंटिंग करना सिखा दिया, उसके बाद उसको एक पेंटिंग बनाने के लिए दी, किसको, बच्चे। तो बच्चे को क्या बोला कि आपने ऐसा करना है, एक नीचे एक पुस्तक पड़ी होगी, किस पे, सरफेस के ऊपर, और ऊपर से आपने उसके ऊपर प्रकाश डालना है। अब बच्चा सोच रहा है कि मैं प्रकाश कैसे डालूं पुस्तक के ऊपर। तो बच्चे के माइंड में आया, ऐसा करता हूं कि ऊपर एक सूरज बना देता हूं, सन बना देता हूं, और वहां से पीला रंग भर के वहां से रोशनी डाल देता हूं, किसके ऊपर, पुस्तक के ऊपर। तो वो उनको बहुत पसंद आई जब उसने दिखाई अपनी पेंटिंग। जब ये पेंटिंग देखी तो उन्होंने बोला कि आपको तो जॉब मिलनी चाहिए यहाँ पे पेंटिंग बनाने के लिए, आपका कल इंटरव्यू है, बड़े अफसर आएंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे। तो वो घर गया और माँ को बोला, माँ दो। वो क्या बोली कि क्या दूं मैं, वो बोला कोट दो, मेरा कल इंटरव्यू है, मैंने वहां पे जाना है। तो इंटरव्यू दिया, उसकी जॉब लग गई, बड़े पैसे आने लग गए। अब हमें पता है कि जब पैसे आने लग जाते हैं तो उस बच्चे की जो एक गर्लफ्रेंड होती है, जो होती नहीं लेकिन वो मानता है, वो पहले उसको मना कर देती है, जब पैसे आते हैं उसके बाद उसको क्या बोलेगी कि हाँ मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ, उसके बाद वो वापिस आ जाती है, ये तो सभी को पता ही है फंडा। तो यही हुआ था, ये छोटी सी स्टोरी थी। और आपको ये सारे के सारे संग्रहालय याद हो चुके हैं, कैसे, देखिए। सरस्वती में आपको क्या मिल रहा है, सर। क्लास में कौन था, सर था, जिससे वो क्या कर रहा था, वो डर रहा था। भंडार में आपको क्या मिल रहा है, डर मिल रहा है। उसके बाद उसने सर को क्या बोला उठकर कि मुझके, मेरे ऊपर दया कीजिए सर, मुझे पेंटिंग नहीं आती। दया से क्या देगा, उदयपुर में आपको दया दया मिल रहा है। नेक्स्ट आपका, उसने क्या किया था, टीचर ने उसका एडमिशन कहां पे करवा दिया, चित्रशाला में। तो यहां पे नेक्स्ट क्या है हमारा, चित्रशाला। और सर ने उनको क्या बोला कि इसको चित्र बनाने की एक बूंद भी नहीं आती। तो बूंद से क्या आ जाएगा, बूंदी आ जाएगा। नेक्स्ट है, जो इंस्टीट्यूट वाले थे उन्होंने क्या पूछा कि अपनी पोथी निकालो, तो पोथी से पोथी खाना। तो वो क्या बोला कि मेरे पास तो पोथी है ही नहीं। तो वो क्या बोले, आपकी तो जय हो, एक तो आपके पास पोथी नहीं है और यहाँ पे चित्र बनाना सीखने आ गए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जय हो से जयपुर आ जाएगा। नेक्स्ट वो क्या था, वो चालाक था बच्चा, उसने क्या बोला कि हम, मैंने सुना है कि आप जो लोग हैं वो, आपके हाथ में बड़ा जस है, आप तो बिना पोथी के सिखा देते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा, लोग से जन, जन से क्या आ जाएगा, जैन भंडार, जैन भंडार। और आपके हाथ में बड़ा जस है, जस कहां से मिल रहा है, जैसलमेर में फर्स्ट क्या मिल रहा है, जस, जस मिल रहा है। नेक्स्ट उन्होंने क्या पेंटिंग दी थी,
कि पुस्तक के ऊपर आप क्या डालो, प्रकाश डालो, तो उसने क्या बनाया था, सूरज बना दिया था। और हमें पता है वैसे ही प्रकाश मतलब सूरज, सूरज से क्या होता है, धूप आती है। धूप कहां से मिलता है, जोधपुर में आपको मिलता है दपू, और दपू से क्या बन जाएगा आपका, धूप मिल जाएगा वर्ड और टिक लग जाएगा। नेक्स्ट वो घर पे गया और उसने अपनी माँ को बोला कि दो, वो क्या बोली कि क्या दू, वो बोला कोट दो पहनने के लिए। तो माँ दो, माँ दो से माधो सिंह संग्रहालय, और कोट से आ जाएगा कोटा। नेक्स्ट जी हमें पता है कि पहले लड़की छोड़ के चली गई क्योंकि वो बेरोजगार था, और जब उसको जॉब मिल गई, अच्छे खासे पैसे आने लग गए, उसकी फेमस हो गया वो, उसके बाद क्या बोल रही है, मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ। तो यही होता है। और वैसे भी क्या है, अलवर इधर आ रहा है और अलवर इधर आ रहा है, नहीं तो यहां से लव और लव, लव और लव हो गया ना दोनों साइड से, तो यही हो चीज है। आई होप सो आपको सारे के सारे संग्रहालय याद हो चुके होंगे। थैंक यू।